जय मां भद्रकाली, जय हो शेरावाली मैया की। तो कुंभ राशि वालों, आपका समुच्चय ज्ञान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह औरत आपके प्यार में अंधी हो चुकी है। आपको अपना जिस्म, अपना पैसा, अपनी संपत्ति सब कुछ दे देगी, आपको मालामाल बनाकर रख देगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह औरत आपको पाने के लिए रोजाना टोटके और तंत्र मंत्र कर रही है, आपको अपने में करना चाहती है और आपको दोस्तों पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती। यह औरत साक्षात आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, अगर आपने आज इस औरत की पहचान नहीं करी तो यह औरत आपके हाथ से निकल सकती है दोस्तों, क्योंकि यह औरत दोस्तों आपके लिए खजाने से कम नहीं है। अगर इस औरत का साथ आपको मिल गया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। आपको अपने जीवन का असली सुख मिल जाएगा, क्योंकि यह औरत आपको हर एक सुख देगी, हर एक आपका सपना साकार करेगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ऑर्डर कोई दूर की नहीं है, न ही कोई अनजान औरत है। इस अवार्ड से दोस्तों आपका रिश्ता ही जुड़ा हुआ है। इस औरत को आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से पहचानते भी हैं, लेकिन मसला यह है कि आप दोस्तों जब भी उसके सामने होते हैं तब भी आप इसको नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन दोस्तों चिंता मत करिए, आज इस वीडियो में इस औरत का नाम भी मैं बताऊंगा, इसकी पहचान भी करना आपको सिखाऊंगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह औरत आपसे बेनतहा प्यार करती है। आपको ने के लिए दोस्तों यह औरत किसी की जान तक ले सकती है, यहाँ तक कि आपके परिवार वालों को भी मौत के घाट उतार सकती है। इसलिए इससे आपको बचकर भी रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह औरत आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आखिर कौन है यह औरत, क्या चाहती है दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस औरत ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब यह औरत आपको पाकर ही छोड़ देगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, वह भी बिल्कुल 100% सटीक जानकारी दूंगा। आप भी दोस्तों जब मेरी बातें सुनोगे, मेरी बातों को आप समझोगे, तो आपको भी लगेगा कि गुरुजी आप तो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, यह सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर हम जो चाहते हैं अपने जीवन में वह हमें आसानी से नहीं मिल पाता है। दोस्तों, कभी कभी हमारा जो सपना होता है वह साकार नहीं हो पाता, हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। हम जिन इंसान से प्रेम करते हैं वह इंसान भी हमें नहीं मिलता है। कभी कभी कुछ लोग सच्चे प्यार को पाने के लिए तरसते हैं, कुछ लोग दोस्तों मन माधना के दोस्तों जीवन अपना बिताते हैं किसी और के साथ, तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए कभी कभी टोने टोने का भी सहारा ले लेते हैं। कुछ लोग अपने प्यार को अपनाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, कुछ कुछ मशीनी क्रिया भी करते हैं दोस्तों, तांत्रिक क्रिया का सहारा लेते है दोस्तों। और यह जो औरत है इसने भी तांत्रिक क्रिया का सहारा लिया है। पिछले कुछ समय से यह औरत आपके ऊपर बहुत खतरनाक तंत्र मंत्र करवा रही है, जिससे दोस्तों आप इसके पूरे वश में आ जाओगे। अगर आपने दोस्तों अभी भी अपने होश को नहीं संभालना तो आप दोस्तों इसके पूरे वश में आ सकते हो। लेकिन दोस्तों यूं तो यह औरत आपके लिए बहुत ही लकी है, आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप है। यह औरत आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि यह औरत आपको अपनी संपत्ति तक दे सकती, आपको भी बना सकती है। लेकिन दोस्तों मसला यह है कि इस औरत के साथ से दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है, आपके परिवार वालों का साथ आपको छोड़ ढहा भी पड़ दिया सकता है। दोस्तों, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, इसलिए घबराइए नहीं। रही कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन इस वीडियो को अंत तक आप देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में अच्छे से आ जाएगी। देखिए दोस्तों, एक स्त्री यानी एक औरत का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। देखिए, एक औरत ही हमें इस दुनिया में लाती है, 9 महीने हमें पेट में रखती है, दुख सहती है, उसके बाद हमें इस दुनिया में लेकर के आती है, उसके बाद वह हमें बोलना सिखाती है, हमें चलना सिखाती है। दोस्तों, इसके बाद हमारी एक छोटी सी बहन होती है, वह बहन हमें दोस्तों इस दुनिया में एक खेल खिलाती है, हमें अच्छा बुरा सिखाती भी है, वह बहन हमारी रक्षा तक करती है। इसके बाद हम दोस्तों स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में विद्या लेने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तब वहाँ दोस्तों हमें टीचर मिलते हैं,
यानी शिक्षिका मिलती है जो हमें पढ़ाती है, हमें ज्ञान देती है, वह हमारी गुरु होती है। उसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसके बाद दोस्तों, इंसान उस व्यक्ति के जीवन में उसकी एक प्रेमिका आती है, उसकी एक पत्नी के रूप में उसके जीवन में आती है। फिर वह उसकी पत्नी उसको जीवन जीना सिखाती है, सुख दुख से लड़ना सिखाती है और उसका हमेशा साथ देती है। दोस्तों, इंसान का जो जीवन होता है वह हमेशा औरतों से जुड़ा हुआ होता है। बिना औरतों के एक पुरुष का जीवन साकार नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, आजकल हो यह रहा है आपके साथ कि आपको जिस औरत की जरूरत है वह औरत आपके आसपास ही है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं उसको। आप दोस्तों उसकी पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह आदत आपको पाने के लिए खूब तड़प रही है। इसका नाम क्या है आप जानने के लिए तड़प रहे होंगे, लेकिन इसका नाम तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसकी सारी सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा। आपके जीवन में दोस्तों दो औरतें हैं, एक औरत आपकी जिंदगी के लिए खतरा है तो एक जिंदगी के लिए आपके काफी अच्छी और दोस्तों स्वर्ग के समान स्त्री है। एक खतरा है तो दूसरा दोस्तों आपका सच्चा प्यार है। अब दोनों अलग अलग है, दोस्तों दोनों आपको पाने के लिए तड़प रही है। एक औरत दोस्तों आपका जीवन सुंदर बनाएगी तो एक औरत आपके जीवन को नरक बनाएगी। दोस्तों, आखिर आप इन औरतों की पहचान कैसे करेंगे? आपके आसपास दोस्तों कई सारे होते हैं। हो सकता है आपकी शादी भी हो चुकी होगी, हो सकता है आपकी शादी होने वाली होगी। दोस्तों, अगर आपकी शादी हो भी चुकी होगी तो भी आपके जीवन में एक औरत ऐसी होगी जो जिससे भले ही आपकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी वह औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है, आपके लिए कुछ भी कर सकती, आपको करोड़पति तक बना सकती है। तो आखिर वह औरत कौन है? आपकी पत्नी के अलावा क्या वह आपकी प्रेमिका है या वह आपकी दूसरी पत्नी बन सकती है? सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतने महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूं, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को लाइक तक नहीं करते। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इतनी मेहनत के बाद अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा और हम आप लोगों को आगे फिर इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए, क्योंकि माता रानी आपकी खाली झोली भर देगी। खुद माता रानी चलकर आएगी आपके घर के द्वार पर दोस्तों, और आपको अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी देगी, बड़ी संपत्ति देगी। इसलिए अभी भी जाइए और लिख दीजिए जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई सवाल है, कोई परेशानी है, प्यार मोहब्बत का कोई सवाल है, या फिर दोस्तों आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानना है, या आप चाहते हो कि आपकी शादी कब होगी, सारी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ दोस्तों, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल, अपनी परेशानी लिखकर मुझे बता दे, वहाँ पर मैं खुद आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में बताऊंगा। तो अभी भी जाएं और लिख दे दोस्तों अपनी समस्या। देखिए दोस्तों, आपकी जो राज्य है उसके हिसाब से आपके जीवन में दो औरतों का योग है, जिसमें से जो एक औरत है उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता होगी और एक जो औरत है वह आपसे थोड़ा सा दूर रहेगी। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन सी औरत आपके लिए लक्ष्मी का रूप है और कौन सी औरत आपके लिए अलक्ष्मी, यानी कि आपके लिए अनलकी, यानी कि जिसका साथ आपके जीवन में हमेशा परेशानियां लाएगा, हमेशा आपको दुख झेलना पड़ेगा? तो दोस्तों, उस औरत का नाम मैं सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ औरतें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो अगर हमारे पास अगर आ जाए तो हमारे साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। यानी कि आप सबसे पहले अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, मान लीजिए आपकी प्रेमिका भी क्यों ना हो, तो दोस्तों आप सबसे पहले देखिए कि जब जब वह स्त्री, वह औरत आपके पास रहती है, तब तब आपके जीवन में कुछ मुसीबतें तो नहीं आ रही हैं, कुछ
परेशानियां तो नहीं आ रही है। अगर उस औरत का आपके पास होना और परेशानियों का आपके पास आना दोनों साथ में हो रहा है, यानी कि वह औरत आपके साथ होती है, तब आपके जीवन में खूब परेशानियां आती हैं। आपके जीवन में खूब उथल पुथल मच जाती है, आपके परिवार में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि वह औरत आपके लिए अन्न लगी है। उस औरत के अगर आपके जीवन में आने से बहुत मुश्किल हो सकती है दोस्तों, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उस औरत से हमेशा दूर रहे। उसका साथ दोस्तों धीरे धीरे दूर हो जाए तो धीरे धीरे करके आप उससे रिश्ता तक तोड़ सके, क्योंकि दोस्तों उस औरत का साथ आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब दोस्तों को जोड़ते ऐसी होती है जो हमारे लकी होती है, हमारे लिए लक्ष्मी का रूप होती है। आप दोस्तों इस चीज को इस तरह से नोटिस कर सकते हैं, आप सबसे पहले महसूस करिए और आप इसको थोड़ी सी नज़र बना कर रखें कि आखिर कभी आपके जीवन में, चाहे वह आपकी पत्नी हो, आपकी प्रेमिका हो या आस पड़ोस की कोई औरत हो या कोई लड़की हो, तो दोस्तों अगर वह आपके आसपास रहती है आती है, तब तब आपके जीवन में बहुत अच्छा होने लगता है, तब में खुशियां आ जाती। मान लो आपकी किस्मत फूटी हुई है, आपके ज्यादा सुख नहीं रहते दोस्त, तो बदनसीब है, और आपके घर पर आती है ऐसी औरत से आपकी बात होती है, तब तब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है, आपका काम बन जाता है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो समझ जाइए कि वह औरत, वह लड़की आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों उस औरत से आपको हमेशा रिश्ता जोड़े रखना चाहिए, हो सके तो उस औरत से दोस्तों आप परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाएं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आप उसे शादी तक कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप उससे रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। वही दोस्तों दूसरी चीज आती है दोस्तों, कुछ छोटी बच्चियां भी होती हैं जो हमारी लकी होती है। देख लीजिए, अगर आपके आसपास में कोई छोटी बच्ची हो, आस पड़ोस की कोई छोटी बच्ची हो, या फिर दोस्तों कोई रिश्तेदार की छोटी बच्ची हो, या फिर आपकी बहन की छोटी बच्ची हो, या आपकी कोई दूर के रिश्तेदार में छोटी बच्ची हो, वह जब जब आपके घर में आती है, तब तब अगर आपके घर में सब कुछ अच्छा हो जाता है, आपके घर में खुशी आ जाती है दोस्तों, क्योंकि कुछ छोटी जो बच्चियां होती हैं, उनका पग फेरा यानी कि उनके जो चरण होते हैं वह बहुत शुभ होते हैं। उनके चरण आपके घर में पड़ेंगे, तब तब आपके घर में खुशियां आएंगी, तब तब आपके घर में दोस्तों सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों तो आप कोशिश करिए कि आप अक्सर उस छोटी बच्ची को अपने घर में बुलाएं, उससे अच्छा रिश्ता रखें, उसको भेंट में कुछ अच्छी अच्छी चीजें दे दोस्तों, क्योंकि जो चरण होते हैं दोस्तों वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुभ चरण होते हैं और एक अशुभ चरण होते हैं। अगर हमारे घर में शुभ चरण पड़ेंगे किसी औरत के, किसी स्त्री के या फिर किसी बच्ची के, तो दोस्तों हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर किसी के अशुभ चरण होंगे जो हमारे घर में पड़ेंगे, तो हमारे घर में दो तो बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, बहुत परेशानियां आ जाएगी, बहुत संकट आ सकते हैं दोस्तों। जब वह स्त्री हमारे घर में आएगी, तो हमारे घर में झगड़े होने लग जाएंगे, अच्छा खासा जीवन चल रहा होगा तो हमारे घर परिवार में झगड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह सब चीजें को नोटिस करनी पड़ेगी कि कौन आ रहा है तो अच्छा हो रहा है, कौन आ रहा है तो पूरा हो रहा है, आपको किससे रिश्ता रखना चाहिए और किससे रिश्ता नहीं चाहिए, यह सब आपको नोटिस करना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, आखिर वह कौन हो रहे थे जो आपके लिए दोस्तों हर संभव प्रयास कर सकती है आपको पाने के लिए। दोस्तों वह किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि टोने टोटके तक करवा सकती है, आपको अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ दे सकती है। वह औरत आखिर वह कौन है, इस वीडियो में मैं सारी जानकारी बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आपको दोस्तों अपने जीवन में सबसे ज्यादा औरत का जो सुख है वह मिलने वाला है आपकी राशि पर दोस्तों। दो औरतों का योग बना हुआ है दोस्तों, या
आपकी प्रेमिका भी हो सकती है। एक औरत आपको छुप छुप कर प्यार भी कर सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक शादीशुदा पुरुष है और अगर आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, तो देखिए जरूरी नहीं है, है कि आप अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री की तरफ आकर्षित हो। किसी और स्त्री को आप लक्ष्मी का रूप माने। अगर आपके घर में आपकी पत्नी रहती है तो वह भी एक लक्ष्मी का रूप ही है। बस आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, बस आपको कुछ दोस्त तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जिससे वह भी दोस्तों एक साक्षात लक्ष्मी का रूप बन सकती है। देखिए अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, तो आप दोस्तों सुबह सुबह जब भी उठे तो आपको अपनी पत्नी के हाथों को चूमना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी पत्नी के हाथों को अच्छे से चूमना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में और हमारे धर्मों में माना गया है कि अगर पुरुष अपनी पत्नी के हाथों को सुबह सुबह उठकर चूमता है, तो दोस्तों उससे उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और वह जो स्त्री जो उसकी पत्नी होती है, वह उसके लिए एक लक्ष्मी का रूप बन जाती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी एक साक्षात लक्ष्मी का रूप बन जाए और आपके घर में भी हमेशा खुशियां आए, धन दौलत आए, तो आप भी दोस्तों सुबह सुबह अपनी पत्नी के हाथों को चूमा करें। इससे आपका हर काम बनेगा, आपका दिन भी अच्छा जाएगा और धीरे धीरे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनना शुरू हो जाएगी। तो आप सुबह जल्दी उठे और दोस्तों जैसे ही उठे सारे काम छोड़ दे, दोस्तों सबसे पहले अपने पत्नी के दोनों हाथों को चूम। दोस्तों आपको नहीं कुल्ला करना है, नहीं ब्रश करना है, दोस्तों सबसे पहले अपने पत्नी के हाथों को डोट आपको चूमना है, जिससे आपकी पत्नी आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप बन जाएगी। दोस्तों इसके बाद दोस्तों जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो लोगों की पत्नी उनके साथ नहीं रहती है, जिनकी शादी टूट चुकी है या फिर शादी हुई ही नहीं है, है वह क्या करें? तो उनके जीवन में भी एक औरत है दोस्तों, उसकी पहचान करना मैं सिखाऊंगा, क्योंकि वह औरत आपके लिए तड़प रही है। वह औरत आपको पाने के लिए टोने टोट के करवा रही है और दोस्तों आपको पूरी तरह से वश में करना चाहती है। और यही वह औरत है दोस्तों, जो आपको अपनी संपत्ति दे सकती है, आपको अपना, जिस आपको अपना दोस्तों हर प्रकार का सुख दे सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी हर एक बात को। देखिए दोस्तों, उस औरत का जो नाम शुरू होता है वह आपकी ही राशि से शुरू होता है। दोस्तों जो आपकी राशि है, उसी राशि की जो महिला है, औरत है, आपके लिए लक्ष्मी का रूप है, आपके लिए साक्षात दोस्तों धन लक्ष्मी का रूप है, आपको मालामाल बना सकता है, आपको पाने के लिए हर संभव प्रयास तक कर सकती है। अगर आपके आस पड़ी डिडोस में, दोस्त दोस्ती यारी में या फिर आपके दोस्त तो इधर उधर कहीं भी आपके राय की कोई स्त्री है, तो दोस्तों जो आपको जानती भी है, पहचानती भी है, तो समझ जाइए कि वह औरत आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों अगर आप दोस्तों से शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे दोस्तों चाहे बहन का रिश्ता बना ले, चाहे दोस्तों आप उससे किसी भी प्रकार का रिश्ता बनाकर आप दोस्तों से कनेक्ट में, यानी कि उससे दोस्त जुड़े हुए रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। अगर आप अपनी ही राशि की औरत से संबंध बनाकर रखेंगे, रिश्ता बनाकर रखेंगे, तो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी आपने बोला था कि मुझे पाने के लिए स्त्री टोने टोटके करवा रही है, मुझे संपत्ति देने वाली है, तो वह औरत कौन है? तो दोस्तों वह औरत आपके आसपास ही मौजूद है। देखिए आपको बस अपनी निगाहें थोड़ी सी चौकन्ना रखनी है, क्योंकि यह जो स्त्री है आपको मन ही मन चाहती है, परंतु कभी बोल नहीं पाती है। आपको मन ही मन दोस्तों सच्चा प्रेम तक करती है, परंतु बोल नहीं पाती है। यह आपके सामने होती है लेकिन अपना प्यार जता नहीं पाती है दोस्तों। लेकिन आप दोस्तों अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप भी दोस्तों समझ जाएंगे कि यह वही औरत है जो मुझसे सच में प्रेम करती है। देखिए हो सकता है वह आपके होश में हो या फिर आपके इधर उधर आसपास कहीं नदी में मौजूद, जहाँ का करते हैं वहाँ तक हो सकती है। देखिए आपको सबसे पहले नोटिस करना है, आपको महसूस करना है कि क्या यह औरत सच में मुझसे प्रेम करती है। दोस्तों आप देखें कि किस प्रकार से वह औरत अपनी हरकतें करती है। अगर आप उसके आसपास होते हैं तो
तो वह आपसे बात करना चाहती है, वह हकलाकी आपसे बात करने में, या फिर वह आपका अच्छे से ख्याल रखती है छोटी छोटी बातों में, दोस्तों आपका ख्याल रखती है, तो समझ जाना कि वह औरत दोस्तों आपको चाहती है, आपसे प्रेम करती है। तो दोस्तों हो सकता है कि वह और आपको पाने के लिए तड़प रही हो अंदर ही अंदर। तो दोस्तों आप भी आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको स्त्रियों के कुछ गुण बता रहा, यानी कि अगर आपके आसपास इन 10 गुणों वाली स्त्रियां हैं, या फिर किसी स्त्री में यह जो गुण है जो मैं बता रहा हूं, अगर है तो आपको तुरंत उनसे शादी कर लेनी चाहिए या तुरंत रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। दोस्तों हमारे परिवारों में नारी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। माँ अन्नपूर्ण ने उन्हें पोषण का वरदान दिया है। यह बहुत पुरानी स्कूटी है। दोस्तों जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देव दोस्तों रमते हैं। अलग अलग शास्त्रों में सौभाग्यवती स्त्री के कोई लक्षण भी बताए गए हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सौभाग्यस्त री वह होती है जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज में मधुरता हो या ना हो, लेकिन वह अच्छे से बोले। आपका दोस्तों हमेशा दिल जीत ले, अपनी बोली से दोस्तों आपको अपना बना ले, तो समझ जाना कि वह स्त्री सौभाग्यवती है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो अपनी मीठी मठी बोली में आपको फंसा कर दोस्तों आपको थक भी सकती है, लेकिन यह नहीं कि आप उनकी बातों में आ जाएं। दोस्तों जो मीठे वचन तो बोले लेकिन साथ साथ उसमें कुछ गुण भी हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वह अगर हो तो आप उससे रिश्ता जोड़ें। देखिए दोस्त तो जो हमेशा धर्म से जुड़ी हुई हो, यानी कि जो हमेशा भगवान की पूजा पाठ करे, भगवान में श्रद्धा रखें, ऐसी स्त्रियों से हमेशा दोस्तों संबंध बना लेने चाहिए। ऐसी स्त्रियों से दोस्तों हमेशा रिश्ता जोधे रखे। दोस्तों जो स्त्री तन से अधिक अगर मन से सुंदर हो, जिसका मन अच्छा हो, जो हमेशा अच्छे से बोलती हो, हमेशा दोस्तों सभी को साथ लेकर चल हो, ऐसी स्त्रियों से हमेशा रिश्ता बना के रखना चाहिए। जो घर आए मेहमानों उनका स्वागत सत्कार करे, ऐसी स्त्रियों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जो स्त्री जो औरत पर या दुख देखकर खुद दुखी हो जाए और अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी सहायता करे, ऐसी स्त्रियों से हमेशा जुड़े रहे। दोस्तों वह आपके लिए लक्ष्मी का रूप होती है, क्योंकि जो स्त्री दूसरों का दोहक देखती है और दूसरों का दोहक देखकर खुद दुखी हो जाए, वह स्त्री कभी किसी को दुख नहीं दे सकती है, नहीं कभी किसी को परेशान कर सकती है। अगली चीज है दोस्तों, घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे। जो प्रतिदिन स्नान करे, साफ स्वच्छ रहे और घर में दोस्तों हमेशा पूजा पाठ करें, ऐसी स्त्रियां हमेशा लक्ष्मी का रूप होती है। सुबह शाम देवी देवताओं के सामने धूप दीप जलाती है, अगरबत्ती जलाती है और साथ ही पतिव्रत धर्म का पालन करके अपना और अपने पति का अपमान सहन ना करें। ऐसी स्त्रियां हमेशा अपने लिए और अपने परिवार के लिए माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करती हैं। दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्त्रियों के आप नजदीक रहोगे तो दोस्तों आप समझ जाना कि यह स्त्री आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल देगी, आपके कर्मों को डुबा कर रख देगी। किन स्त्रियों से आपको दूर रहना है मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। दोस्तों जो स्त्री मैली को चैली सी रहती है, जो स्त्री पाप कर्मों में रत रहती है, यानी कि गलत गलत कर्म करती है, पराए पुरुषों में जिसका मन हमेशा रहता है, ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती है। साथ ही जो बात बात पर गुस्सा करती है, छल कपट करती है, गलत गलत भाषण देती है, जो व्यभिचार करती है, ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी रखें। दोस्तों जो अपने घर को संवार कर नहीं रखती है, जिसके विचार बहुत खराब होते हैं, ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। जो स्त्री अपने संतान से प्रेम नहीं रखती, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दोस्तों ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूर रहे। जो दूसरों के घरों में झगड़ा लगाने की ताक में रहती है, जो दोस्तों आपराधिक गतिविधियों में शामिल होती, ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। जो स्त्री इधर की बातों को उधर करती है, ऐसी स्त्रियों से दूरी बनाकर रखे। वैसे हर स्त्री की आदत होती है एक बात को उधर तो करना, लेकिन दोस्तों जो झगड़ालू बातों को भी इधर उधर करे, ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों तो दोस्तों आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब दोस्तों मैं आने वाले 2 दिनों का महान
राशिफल बता रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा भी। तो मित्रों, हमारा गुरुजी के हित है कि गलतियाँ जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। और जो व्यक्ति अपनी गलतियाँ स्वीकार करना सीख जाता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल ही होता है। उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्र, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से आप राहत महसूस करेंगे, आपको सुकून मिलेगा और किसी विशेष व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बनेंगे। और आप अपने विचार शैली तथा दिनचर्या में जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मन मुताबिक सफलता मिलेगी। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें तथा अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखें। यदि आप अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, तो यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई नजदीकी व्यक्ति ही जलन की भावना से समाज व रिश्तेदारों में आपकी आलोचना व बदनामी करने के प्रयास कर सकता है। कोई अशुभ समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा, मन में तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगी। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि व्यवसाय में अधिक पैसा ना लगाएं। नए काम शुरू करने से पहले वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें और कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।